गाइज वेलकम टू अनदर क्रिएटिव वीडियो। सो गाइज आज के हम लोग इस वीडियो में हम लोग अपने वीडियो को कलर ग्रेड करना सीखेंगे कि अपने बोरिंग से वीडियोस को हम कैसे कलर ग्रेड करके इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक वीडियोस डाल लें। जो कि आप काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे, वो अपने वीडियोस को काफ़ी एक सिनेमैटिक टाइप में डालते हैं। कितना मस्त लगता है जब बैकग्राउंड में सिनेमैटिक टाइप्स के जो इफेक्ट्स आता है उनके फेस वगैरह पे। तो आप भी कैसे अपने फ़ोन से, भाई आपको इसकी प्रीमियर प्रो वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, वो अपने फ़ोन से आप एडिट कर सकते हो अपने वैसे वीडियोज़ को एकदम मस्त काफ़ी इजी वे में। तो भाई आपका हाजिर आपको इस तरह की एडिटिंग बताने के लिए। सो यार जो लोग चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देख लो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्रिएट। इस एडिटिंग करने के लिए हम लोग एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है मेरा ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। अब आप बोलोगे भाई पिक्सआर्ट एप्लीकेशन तो फोटो एडिटिंग होती है, वीडियो एडिटिंग कब होगी? तो भाई ये प्रो वर्जन है, इसमें काफ़ी सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि लाइट वगैरह भी अवेलेबल हो गया है। तो मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से मैं करके दिखाता हूँ। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाएंगे और गाइज इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इधर यहाँ पर प्लस का आइकन इधर दिख रहा होगा, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ प्लस का आइकन यहाँ पास। तो ये प्लस के आइकन में जाएंगे, प्लस के आइकन में जाके आपको यहाँ दिख रहा होगा एडिट वीडियो, सेकंड ऑप्शन जो यहाँ दिख रहा है वो एडिट अ वीडियो। तो एक वीडियो का हम एडिट करेंगे, तो यहाँ से एडिट में जाएंगे, एडिट वीडियोस में, और जो भी क्लिप है जिस भी क्लिप में को एडिटिंग करना है वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट मतलब कि इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो जो मेरा क्लिप है उसको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। देन ये मेरा क्लिप है, इसको मैं सिंपली यहाँ से करके फिर आपको ये जैसे सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पास ये ऐड और का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड वन लिख रहा है बिकॉज ये आप सिर्फ एक क्लिप ऐड कर रहे हैं। अगर मोर देन वन आप जितना भी एक क्लिप ऐड करते हो तो यहाँ वो अपना दिखाते हैं। तो सिंपली हम ऐड में जाएंगे, देन ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है, तो आप देख सकते हो ये मेरा वीडियो है। तो सिंपल मैंने इसे कॉमन तरीके से रिकॉर्ड कर लिया ताकि आपको इससे सिंपल कलर ग्रेडिंग दिखाने के लिए। ओके सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पर, तो क्रॉप के ऑप्शन जाके हम अपने वीडियोस को क्रॉप के ऑप्शन में जाके हम अपने वीडियोस को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ओके तो देन सबसे पहले मैं इसका वॉइस होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है यहाँ से वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, बाकी वगैरह कर सकते हो, सिंपली बैक हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ मेरा क्या है, सिंपली चीज़ क्रॉप, अगर वीडियो को जो भी मतलब कि अननेसेसरी चीज़ आ गए तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, हटा सकते हो। देन एडिट क्लिप, क्लिप एडिट करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते हो, फील वगैरह बैकग्राउंड कुछ भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ है, तो मेरा ये मेन पार्ट नहीं है, मेरा जो मेन पार्ट है कलर ग्रेडिंग करना। सो कलर ग्रेडिंग इज़ हेयर। हम जाएंगे एडजस्ट में जाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। तो आप बोलोगे भाई तो सब फोटोज़ में ही मिल रहे थे, हाँ भाई वही चीज़ है, कुछ यूनिक भी आप देखो अभी। तो ब्राइटनेस तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको ब्राइटनेस को ऐड कर लेना। तो सबसे पहले हम इसको अपने अकॉर्डिंग आपको मैं ब्राइटनेस को ऐड कर लेता हूँ। तो ब्राइटनेस को हम जब सबसे पहले ऐसे टोन दे देते हैं ताकि थोड़ा फेस पे ब्राइटनेस रहे। ओके देन नेक्स्ट वन इज़ ह्यू में जाएंगे और ह्यू को अपने इसके कलर एडजस्ट कर सकते हो बैकग्राउंड में। तो ये काफ़ी बेकार चीज़ है, इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। ओके देन हम लोग सबसे पहले ये ब्राइटनेस में जाते हैं, मैं सैचुरेशन यूज़ कर दिया सॉरी ध्यान नहीं दिए, तो ब्राइटनेस पर जाते हैं। तो ब्राइटनेस पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को आप डाउन कर भी सकते हो, इंक्रीज भी, तो हम डाउन करेंगे बिकॉज जो मेरे यहाँ इधर आप देख रहे हो ये डाउन इसलिए करेंगे बिकॉज मेरे को ये जो लाइट जो साइड में आ जा रहा है फेस पे ब्लेंडिंग टाइप में जो मेरा ऑरेंज लाइट आ रहा है इस चीज़ का मेरे को चाहिए इफेक्ट ताकि मेरा सिनेमेटिक लगे। तो मैं अपने फेस पे जो ब्राइटनेस है उसको मैं डाउन कर लूँगा। ओके देन कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ऐसे थोड़ा कम कर देंगे ताकि सिनेमेटिक टाइप, अगर आप थोड़ा बढ़ाओगे तो कलर थोड़ा अजीब लगेगा, डार्क डार्क टाइप का, तो वो नहीं करो आप। हम इसको -20 रखते हैं। देन आप अपने ब्राइटनेस के लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बट अगर ये जो मेरे साइड साइड ये ऑरेंज इफेक्ट आपको भी चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा आप अमाउंट्स इसका कम जितना आप रखो अपने ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग, बिकॉज सबके ब्राइटनेस के जो वीडियोज़ की ब्राइटनेस का लेवल अलग अलग होता है, तो आप अपने एडजस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हो। देन सैचुरेशन देंगे, सैचुरेशन में थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि फेस पे थोड़ा सा ब्राइटनेस आए। ठीक है देन ह्यू कम यूज़ करने वाले हैं नहीं, एच एस एल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसका यूज़ आप अगर फोटो एडिटिंग करते हो तो आप लाइटरूम में भी इसका यूज़ देखे होगे। तो जस्ट उसी तरह सिंपल इसका हम लोग यूज़ यहाँ करेंगे। तो हम लोग इधर इसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ हम करते क्या है कि जो भी मेरा जहाँ रेड पार्ट है उसका हम ब्राइटनेस ह्यू वगैरह बढ़ा देते हैं, मतलब कि जो आप देख सकते हो जो मेरा साइड में ये इफेक्ट आ रहा है आप यहाँ से फोकस रखो ये जो आ रहा है तो इसका कलर चेंज होता है, जिधर किधर भी मेरा रेड पार्ट होगा उसका मेरा कलर चेंज होगा। तो मेरे को थोड़ा ऑरेंज टाइप में चाहिए थोड़ा सा ऐसे, तो मैं ये रख दूँगा और थोड़ा सा ब्राइटनेस चाहिए, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो पूरा डार्क आता है जो लाइटनेस मेरा मेरे को थोड़ा सा ब्राइटनेस चाहिए, तो हम ये चीज़ रखते हैं। ओके देन नेक्स्ट का यूज़ हम लोग करते हैं फेस के ब्राइटनेस पे, आप देख सकते हो फेस पे ब्राइटनेस आ रहा है यहाँ से आप देख सकते हो, तो फेस का ब्राइटनेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो अगर ऐसे कर रहे हैं। तो ये मेरा फेस का ब्राइटनेस यहाँ से आ जाता है। ओके फेस का ब्राइटनेस आता है यहाँ से आप देख सकते हो,
देन ये साइड कुछ कलर इफेक्ट है, अगर आप इसके यूज़ में आपको बोलूँ कहाँ करोगे, आपके बैकग्राउंड में कुछ ग्रीन बैकग्राउंड वगैरह है, मतलब कि जो पेड़ वगैरह है, तो उस तरह उस चीज़ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मस्त चीज़ है। वन आप सिंपल बैकग्राउंड पर करें तो इसका कोई खास यूज़ नहीं है। सिंपल बैकग्राउंड के लिए ये दोनों का यूज़ किया करो, मतलब पीछे कोई सिंपल से नॉर्मल सी बैकग्राउंड है ब्लैक वगैरह तो आपका यूज़ कर सकते हो, बट फिर भी और इसका भी यूज़ कर सकते हो। ये आप देख सकते हो पीछे में कलर, अगर किस भी चीज़ इसका चाहिए, मतलब जिधर भी आपका स्काई ब्लू टाइप का कलर या ब्लू टाइप का हो तो इसको एडजस्ट कर लेता है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये भी उसी चीज़ का है कि आपका जहाँ भी कलर होगा उसका यूज़ ये कर लेता है, कुछ इस तरह से हम इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ओके, देन पर्पल जहाँ भी होगा तो पर्पल का ज़्यादा ख़राब लगता है तो हम पर्पल कम कर लेते हैं, पर्पल ज़्यादा लाइट इफेक्ट लगता है तो उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पास। देन उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे हाईलाइट्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हाईलाइट्स में, वो क्या करता है कि मेरे जो वीडियोज उसको सिनेमेटिक टोन देता है। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपको सिनेमेटिक टोन चाहिए तो आप अपना जो अमाउंट है हाईलाइट का कम रखो। सब चीज़ ये चीज़ ध्यान रखो भाई कि आपको कभी भी अगर सिनेमेटिक टोन अपने वीडियोज में चाहिए तो जितने भी अमाउंट हाईलाइट्स हो गए जितने भी अमाउंट होते हैं इसको आप कम रखो। इसके वैसे आप फोटोज़ या वीडियो कोई भी चीज़ हो या आपके इस पर आपके जो वीडियोज़ या फोटोज़ पे सिनेमेटिक टोन देता है। तो मैं देखो यहाँ जाए तो कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस होता है इधर जाने, तो मैं इसको इधर कम करूँगा, हल्का कम, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करते तो पूरे बॉड मतलब कि पूरे जो वीडियोज़ वो बर्बाद करे, तो मैं हल्का सा रखता हूँ उसको। ओके, देन शैडोज़ में जाएंगे तो शैडोज़ को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे शैडोज़, ये क्योंकि ये थोड़ा ये फेड टाइप का ऑप्शन है और फेड सिनेमेटिक टोन में मज़ा आता है, फेड भी इफेक्ट आता है, तो वही मेरे को सिनेमेटिक चीज़ लग देता है। देन टेम्परेचर में जाएंगे और टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जैसे चाहिए। तो मेरे को तो येलो में भी बोल चुका था, ये साइड में ऑरेंज में वो चाहिए था। देन सिंपली हम यहाँ से डन मार देंगे। डन मारने के बाद हम जाएंगे एफएक्स में जाते हैं और एफएक्स में जाने के बाद सिंपली हम स्लाइड करेंगे एफएक्स के ऑप्शन में। आपको इधर जाना है और यहाँ आपको ये सब नहीं यूज़ करना भाई, आपको जाना है इधर सिनेमेटिक टोनिक मिलता है सिंपल में और यहाँ पास एक फिल्म करके मिलता है। क्या मिलता है? फिल्म करके, और वहीं हम लोग इसका यूज़ करेंगे फिल्म करके। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप मैं ISL 3 का यूज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियोस में थोड़ी सी इफेक्ट हार्ड लगे, और सिंपली हम यहाँ से डन मार देंगे। देन ये मेरा ये हो गया, ताकि एक बोरिंग से वीडियोस को हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियोस में हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी हार्ड लग रहा है। अगर आप वीडियोस में चाहो तो ऐड इफेक्ट स्टिकर वगैरह फोटो वगैरह आप सिंपली ऐड कर सकते हो, कुछ भी गैलरी से फोटोज़ वगैरह कुछ भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, बट आपकी मर्जी। तो मेरा तो मेन था ताकि हम कैसे अपने वीडियोस में कलर ग्रेड करें। सो बस यही था आज के वीडियो में, और इतना करने के बाद हम जहाँ सिंपली जाएंगे और यहाँ प्रोसेसिंग वीडियोस, मेरा वीडियोस गैलरी में एक्सपोर्ट हो रहा है। बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और भी धाकर धाकर वीडियो आने वाले हैं चैनल पर बहुत बहुत जल्दी जल्दी। सो चलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, ख्याल रखो ना, टेक केयर।